ನಮಸ್ತೆ 24x7 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಬಿದ್ದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಕನ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರುತಿ ತಾತೇರಾವ್ ಸಿಂಧೆ ಅಂತ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳ ಕುರಿತು, ಅವರೇನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾಲ ನಿಮಿಷ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಕುರ್ಸೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾಯಿತವೆ ಸರ್? ಮಿರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್. ಮಿರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಪ್ ಚುನಾಯಿತವೆ ಸರ್. ಆಪ್ ಕಿತೆ ವೋಟ್ ಸೇ ಆಪ್ ಟೋಟಲ್ ವೋಟ್ ಆಪ್ ಕಿತೆ ಗೆರೆತೆ 4 साल में अभी हमारे गांव में कुछ भी नहीं था पहले से. हाँ. पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. हाँ. रोड नहीं था. हाँ. पूरा चिक्कड़ चिक्कड़ थे पूरे. हाँ. पूरा अभी चलने को आ रहे सभी लोगों को. हाँ. तो पूरा पक्का रोड हो गया अभी गाँव में. हाँ. इधर भी जाओ. आपके हाथ में आप कितने सीसी रोड और चरणी बीदी थीपा महेड़ काम आप क्या किया है? मेरे हाथ से कम 5-6 रोड हो गए. हाँ. क्यों बोले तो बजट हर साल को दो ही बार आता है. वो हिसाब से देखे तो अच्छा काम हुआ है बारी को. हाँ. थोड़ा टीपीसीएल आए, थोड़ा झेडपीसीएल आए. हाँ. थोड़ा पंचायत ऐसा. हाँ. करके पूरा कम से कम 90% पूरा गांव. हाँ. अभी ये हो गया. अभी यहाँ पानी का कुछ प्रॉब्लम है क्या गांव में? अभी थोड़ा बहुत है. हाँ. थोड़ा नल योजना बनाने का आगे ये साल में. तुम सदस्य होने के पहले क्या ऐसे ही प्रॉब्लम थे क्या? अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं, पहले से है. पहले से ही प्रॉब्लम है. अभी कुछ सब बिगड़ गए क्या? नहीं, अच्छा है. अच्छा है अभी. हाँ. पहले से अच्छा है. हाँ. फिर भी उतना अच्छा नहीं है. हाँ. अभी एक साल में हो जाएगा. अभी एक साल में आपकी इच्छा क्या है, क्या करने? हर घर को पानी देना है. हर घर को पानी देना है. अभी वो बाथरूम शौचालय शौचालय. हाँ. शौचालय अभी मेरे ख्याल से 50 हो गए. और हमारा प्लान अभी 250 शौचालय का है. 250 एक शौचालय को एक मेंबर को आप कितना पैसे ले रहे हैं? कितना पैसे दे रहे हैं बनाने? हम बनाने के वास्ते 10,000 रुपए दे रहे हैं. 10,000 में वो पूरा कंप्लीट हो रहा है? हाँ, कंप्लीट हो रहा है. अभी कितने आपके पंचायत से आप फुल क्लियर किया है? कितने मेरे पंचायत से अभी देखो 12-13 कुछ तो हो गए. 12-13 तुम्हारा हाथ से हो गए. अभी अम्बेडकर योजना, इंदिरा योजना, बसवा योजना अभी गवर्नमेंट से घर आते हैं वो अभी ग्राम सभा और वार्ड सभा इच्छे से करते हैं. आपके इच्छे से आप घर दे सकते हैं? नहीं, ग्राम सभा से. ग्राम सभा से आप घर से घर दे सकते हैं. टोटल एक घर को कितना है पैसे? टोटली घर को 1,20,000 रुपए है. 1,20,000 रुपए है. आप ये राजकीय में आके 5 ईयर हुए? 4 वर्ष हुए. एक साल पकड़ के 5 वर्ष हुए. अभी 5 वर्ष में ये लोग, ये जनता आपके पास आके ऐसा ऐसा समस्या है, ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ बोले तो उसका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा ही उनका सुनने का, पंचायत में जाने का. हमारे पीडीओ साहब रहते हैं, सरपंच रहता है. सब मिलके हमारी मीटिंग रहती है मंथली. उसमें डिस्कस करने का. वो हिसाब से मैनेज करने का. गांव का भी कुछ प्रॉब्लम रहे तो भी आपके पंचायत में आप सब लोग को मीटिंग करके उसका क्या है प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की इच्छा करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आपके पंचायत में पीडीओ सेक्रेटरी जही रहते हैं, उससे आपको कैसा एक राजनीति में कैसा ऊपर का बजट और सब क्या आते हैं आपको बोल सकते हैं? वो अभी तो कुछ नहीं बोला. पीडीओ एक बोलने का, एक करने का, एक बोलने का, एक करने का, ऐसा चलते रहता है. अभी ये 2 महीना हो गया, थोड़ा बहुत अच्छा पीडीओ आ गया. इसके पहले तो कुछ नहीं था. और तुम बोलने से क्या पीडीओ अच्छे नहीं है? हमारा राजनीति में अच्छे काम करने वाले को अच्छे सपोर्ट नहीं दे रहे? सपोर्ट नहीं मिल रहा मेरे ख्याल से. और हमारा एक्चुअली देखे तो बॉर्डर साइड एरिया है. इधर क्या हमारे को लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ा है. और रही दूसरी बात, पीडीओ लोग पूरा उधर साइड के रहते हैं. वो क्या बोलते हैं इधर के लोगों को मालूम नहीं होता. इधर की प्रॉब्लम क्या है उनको मालूम नहीं होता. आप बोले तो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है. आप हमारे पीडीओ लोग कन्नड़ में बात करते हैं, आपके लोग का मराठी में बात के अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहे, उसके समस्या आ रहे बोल रहे आप. आप एक स्थान में है, सदस्य का स्थान में है, उसके पीछे गुरु रहते हैं नहीं तो मार्गदर्शक रहते हैं. आपके राजकीय गुरु कौन सा है? मेरा राजकीय गुरु हमारे अंकल है. अंकल नाम बोले? भीमराव गणपतराव शिंदे. भीमराव गणपतराव शिंदे आपके राजकीय गुरु बोलते हैं आप.
आप ये स्थान पे आने के लिए आपकी जनता है और इसका वार्ड का मेंबर्स है उसको 24/7 karnataka.com से आप क्या बोल सकते हैं वो जनता को? मैं जनता को यही बोल दूंगा कि वो जो भी कैंडिडेट आता है वो हिसाब से वो जनता को पूरा एक साल में अभी 4 साल में जितना किया मैं अभी 1 साल में उसका पूरा कर दूंगा। और मैंने जो जो वादे किए थे इलेक्शन में लोगों को ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा बोल के उसमें से 90% तो पूरे कर दूंगा। 90% चिल्लर इधर क्या रहता पंचायत में और दूसरा कोई नहीं रहता। नॉर्मल काम रहता ये हुआ मेरा ये हुआ ऐसा हुआ। आपकी इच्छा क्या है अभी ये राजनीति में आके आपकी इच्छा क्या है लोगों को क्या करना है क्या आपकी मादरी ऊर बोले तो एक अच्छा ऊर क्लीन सिटी अच्छा गांव बनाना है एकदम क्लीन गांव है ना नंबर एक पे गांव है ना शौचालय है ना एकदम पॉश है ना। पहले क्या होता बहुत चिक्कड़ चिक्कड़ थे भूमि किधर जाने को नहीं आता था हॉस्पिटल को जाना बोले तो रास्ता नहीं था। अभी उद्योग खात्री कैसे चल रहे हैं आपके? उद्योग खात्री को तो मेरे ख्याल से तो अच्छा नहीं है स्कीम नमा वाला नमा दारे वो तो नहीं हुआ मेरे पंचायत में नहीं हुआ। ऐसे ऐसे प्लान अभी पंचायत में सब पंचायत में काम चल रहा है आपके पंचायत में उसकी कुछ भी नहीं है बोले तो क्या है इसका हाल? उसका बेनिफिट ही नहीं हो रहा है किसान लोगों का एक्चुअली बेनिफिट नहीं हो रहा है बेनिफिट कुछ नहीं है। अब की तुम राजकीय में अभी आगे बढ़ने का इच्छा है आपका? क्या पढ़ सकते हैं इधर तो राजकीय करना बोले तो वो भी नहीं इसका कॉपरेट नहीं मिलता है लोगों के काम नहीं होते बोलो टाइम पे क्या कर सकते हैं उसको करना बोल रहे बहुत करना बोल रहे लेकिन हो रहा नहीं। ठीक है आप अभी क्या एक या साल में अभी ये तुमको लोगों को आप क्या पढ़ के देना चाहते हैं बोले तो क्या गिफ्ट देना चाहते हैं एक साल में मैं पानी के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ सब घर घर में नल देने का ये सब इच्छा करता है। ओके सर स्टोक तो कर रहे प्रयत्न चालू है अभी मैं जी सबको बात कर रहे हैं अनु मोरे को उन्हें आज आता हूँ बोले 4 बजे बैठ के थोड़ा प्लान करके थोड़ा एक करने का आप उनको देने का प्लान। ओके सर थैंक यू इष्ट नम जो माता 24/7 karnataka.com मूलक निम्बे आर्थिकवाद नमस्कार सर नमस्कार।